आज का व्लॉग मेरे व्लॉग से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन आई बिलीव के यू विल लव इट। हम खड़े हैं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लिमोजिन के साथ, और ये व्लॉग मैं क्यों बना रही हूँ इस बात का आपको पता चलेगा आज से बिल्कुल एक से डेढ़ महीने के बाद। इट इज़ अ बिगर सरप्राइज फॉर यू, सो लेट्स विजिट। UCP के बिल्कुल ऑपोजिट ख्याबाने जिना रोड पर लिमोजिन का ये स्टेशन है जहां हम आज विजिट करने आए हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी लिमोजिन ये है, और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पहली और आखिरी लिमोजिन जो है हम उसके साथ खड़े हैं। आइए इसको देखते हैं। व्यूअर्स, अभी आप सारी लिमो बाहर से देखें, फिर मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। इस पूरी कार की जो टोटल लंबाई है वो 40 फीट है। और अली, आप थोड़ा बताइए हमें इस मुझे, क्योंकि गाड़ियों का इतना शौक़ भी नहीं है, ड्राइविंग का बहुत शौक़ है, लेकिन इन लड़कों को ज़ाहिर शौक़ होता, तो आपको क्या इसके बारे में पता है? ये जो गाड़ी है ये अमेरिकन ब्रांड है, ये कहते हैं ये भी लीमो ही है, अमेरिकन ब्रांड लिंकन है, 2005 मॉडल। ये ओल्ड मॉडल है जो पहले लीमो होती थी, ये स्टैंडर्ड साइज था, ये पहले भी बहुत बड़ी समझी जाती थी। तो ये वही जो पहले इस्तेमाल की जाती थी वही, और वो अभी तक यहीं चल रही हैं, और पाकिस्तान में ये वाली बहुत मौजूद हैं। और उसके सामने तो ये बिल्कुल बेबी लग रही है। हाँ जी, वो छोटी लग रही है। वो सबसे बड़ी लिमो है GMC का, वो एक ट्रक है जिसे उन्होंने किया हुआ मॉडिफाई GMC वालों। अच्छा। ने जिसे हम अपनी लाहौरी जबान में डाला भी कहते हैं, GMC का डाला है। अच्छा। लेकिन उसे मॉडिफाई करके उन्होंने किया हुआ है। सही। और बाकी एक और SUVs हैं यहाँ जिनको उन्होंने टोयोटा वालों ने मॉडिफाई किया हुआ, उन्हें लीमो बनाया हुआ है। बेसिकली जो लीमो है वो टोयोटा कंपनी की है कार्स, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता टोयोटा लैदा कंपनी है। लीमो का मतलब होता है कि ये लंबी गाड़ियाँ। अच्छा अच्छा। मैं जब गाड़ी चलाऊंगी भी तो मैं इतनी लंबी चलाना तो कभी पसंद नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि मेरा जो अपकमिंग व्लॉग है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है इन गाड़ियों के साथ समहाउ किसी भी वे में, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बना ही लिया जाए। अच्छा, ये कौन सी कार है? अब इसको हम कार कहेंगे या बस कहेंगे? लीमो इसे लीमो कहेंगे। ये टोयोटा की SUV है आपके पास, जैसे हम प्राडो या लैंड क्रूज़र वगैरह, ये लैंड क्रूज़र V8 इंजन के साथ आती है। इसी को उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है और उसे एक किस्म का लंबा किया हुआ है। अच्छा, ये मॉडिफाइड है, ओरिजिनल नहीं है। ये लिंकन की जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, कि उसकी तरह वो भी एक छोटी गाड़ी है, उसे उन्होंने किया हुआ बड़ा, इसी तरह इसे भी बड़ा किया हुआ। ये जापानीज़ ब्रांड है टोयोटा, जहाँ से जनरली आमतौर पर एक गाड़ी में कितने लोग पूरे आ सकते हैं? जो छोटी गाड़ी होती है उसमें 5 का आ जाते हैं, लेकिन ये है इसमें आप जितनी मर्जी भाड़ लें, पाकिस्तानी तो बहुत भाड़ लेते हैं वैसे उनके लिए है। और डिफरेंट पर्पसेस के लिए जनरली अंदर। अच्छा, मतलब आप छोटा सा अंदर को सीन भी बना सकते हैं, आप इसको घर भी बना सकते हैं। हाँ जी। हाल में बड़ी एक मज़े की चीज़ लग रही है, अंदर बैठ के तो लग ही नहीं रहा है कि ये गाड़ी है, मैं अंदर से बस की तरह होगी लेकिन ये अंदर से काफ़ी डिफरेंट है। और अल्सो आई डोंट लाइक लिमोजिन, लेकिन इसमें बैठने का मज़ा आ रहा है मजाक के अलावा। और इस बहाने आपने भी देख लिया अंदर से कैसी होती है, वैसे मैंने हमेशा बाहर से ही देखी है। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू सिट। हाँ, आप इसके बारे में बताएँ कुछ। अच्छा, ये GMC की एस्केलेड है गाड़ी, ये भी सिंपल कार है जिसे उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है बाद में जाके, और ये कंपनी ही मॉडिफाई करके देती है। इसमें डिफरेंट बार्स हैं, पार्टी कार समझी जाती है ज़्यादातर, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर ये शादियों के लिए भी इस्तेमाल होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पसेस हैं जिनके लिए इस्तेमाल होती है ये। और ये इसका एक किस्म का लाइटेड फ्लोर होता है, लाइटेड रूफ है इसकी, और डिफरेंट किस्म के आपके अंदर आपको चीज़ें मिल जाती हैं इसमें।
मेरे ख्याल में दूल्हा दुल्हन जो इसमें बैठ के जाते हैं थोड़ी देर के लिए, वो पानी का ग्लास पीते होंगे बारात जो लेके जाते होंगे, और इतनी देर में शादी हॉल आ जाता होगा। लेकिन एनीवे वो बस अपने अपने शौक है मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से लोग ये यूज़ करते हैं। लेट्स गो आउटसाइड। V8 है लीमो, इसे भी मॉडिफाई किया है। ये भी मॉडिफाई करवाई है और अमेरिका से ये इंपोर्ट की है। ये एक और लैमोजिन में हम आए हैं, जिसमें ये इनको कौन सी लाइट कहेंगे, नियॉन लाइट कहेंगे, व्हाट इज़ दिस? हाँ, पार्टी लाइट, दिस इज़ अ पार्टी माहौल यहाँ पे। और ये वाइट कलर की बाहर से वाइट है, अंदर से भी इन्होंने थोड़ा वाइट इंटीरियर दिया हुआ है। और बाकी आप बताएं इसके बारे में। ये भी टोयोटा की लैंड क्रूज़र है, ये लैंड क्रूज़र्स जो लवर हैं, SUV है ये, दरअसल ये मॉडिफाई कराई गई है, ये अमेरिका से इंपोर्ट किया है इन्होंने। V8 इंजन है इसके अंदर, इसमें भी लाइटेड फ्लोर, लाइटेड रूफ और डिफरेंट बार हैं। ये बेसिकली पार्टी के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसमें शादियों के लिए ज़्यादातर नहीं लेके जाते हैं, शादियों पे लेके भी जाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग ये पार्टीज़ के लिए करते हैं इस्तेमाल। वो फीलिंग से आ रही है। हाँ जी, पार्टी तो इसमें आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं, इसमें TV भी है, डेक भी है, साउंड सिस्टम है, सराउंड साउंड सिस्टम। लॉन्ग रूट पे वो पार्टी कर लेते हैं, वो कोई पार्टी हॉल बुक नहीं करवाना, ये नहीं करवाना, उस तरीके से पार्टी कर लेते हैं खड़ी और गाड़ी। हाँ जी, और मतलब ये कि ये मोटरवे पे चल नहीं सकती है। मोटरवे पे चल सकती है, काफी रूट्स पे चलती है, सड़कों पे चलने के लिए बनी हुई है, खड़ी गाड़ी में पार्टी नहीं होती है। एक दुनिया से निकल के हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। बेसिकली इन्होंने समझे, बाहर से तो मुझे बस ही लगती है जैसे मिनी बस होती है, अंदर से इन्होंने एक डिफरेंट इंटीरियर दिया हुआ है अपनी हर लिमोजिन को। तो अब आप ज़रा बताएं इसके बारे में, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ आपको सैर करवा सकती हूँ लेकिन इन्फॉर्मेशन ही कोई इतने खास दे सकती। अच्छा, ये लिंकन अमेरिकन ब्रांड है जिसकी ये गाड़ी है, ये 2005 की है गाड़ी, ये अमेरिकन इम्पोर्ट है। ये भी इसमें ये है कि ये गाड़ी पहली लीमो है। अच्छा। जो पाकिस्तान में आई थी, और ये पुराना अंदर से इंटीरियर भी देखेंगे वो थोड़ी क्लास, पुरानी क्लास उसके मुताबिक है। तो ये छोटी भी इसलिए है क्योंकि ये पहली लीमो थी। अच्छा। तो इतना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो उसे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप ओरिजिनल लिमोजिन देखना चाहते हैं तो ये ओरिजिनल है, ये मॉडिफाइड नहीं है। जब स्टार्ट हुई थी ये लिमोजिन तो वो इस फॉर्म में थी, यही इंटीरियर था और इसी तरह की थी। बाद में उन्होंने मॉडिफाइड करके लंबी कर ली, इंटीरियर चेंज कर लिया। तो अगर आप ट्रेडिशनल लिमोजिन देखना चाहते हैं तो इस वक्त हम ट्रेडिशनल लिमोजिन में बैठे हुए हैं। 2005 में आई थी, और उससे पहले पाकिस्तान में कोई लिमोजिन नहीं थी। उससे पहले पाकिस्तान में लिमोजिन थी, लेकिन जो पहली लिमोजिन पाकिस्तान में आई थी वो यही वाली थी, इसी ब्रांड की थी। अच्छा। इसे अभी लेकिन रजिस्टर्ड यही है। गाड़ी इतनी महंगी है और उस गाड़ी के लिए हमें झुकना पड़ रहा है। ये वो है ना जो सबसे बड़ी है।
वाओ। अच्छा इसका ये ऐसे ऊपर से खुलता है। व्यूअर्स इस लिमोजिन के दो दरवाजे हैं कि आपको वो जो झुक के इधर से उधर तक आना पड़ता है, इसमें आप डायरेक्टली उधर से आके इधर से बाहर भी निकल सकते हैं। इस वक्त हम 42 फीट लंबी लिमोजिन में बैठे हुए हैं और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है गाड़ी के मतलब, मैं आपको सिर्फ सैर करवा सकती हूँ। तो हम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए GM साहब से बात करते हैं ताकि हमें वो जनरल इन्फॉर्मेशन बता सकें। आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन हर चीज़ की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होने में कोई हर्ज नहीं है। तो लेट्स हैव सम इन्फॉर्मेशन। सर कामरान के साथ जो कि रॉयल लिमो सर्विस के GM साहब हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन जो कि बींग ए लेडी मुझे बिल्कुल नहीं पता, वो हम इनसे लेते हैं। अच्छा इस स्पेशली ये जो मुझे बता रहे थे अली कि ये सबसे लंबी इस वक्त कार, इस वक्त पता नहीं इसे लंबी कहेंगे यानी कहीं बेइज्जती ना हो जाए कार की, लंबी कहेंगे आई बिलीव, तो इसके बारे में आप काइंडली बताएँ कि ये मतलब इसकी क्या स्पेशलिटी है। इसकी सबसे पहली स्पेशलिटी तो यही है कि इट्स द वन एंड ओनली GMC लिमो इन पाकिस्तान, एंड आफ्टर दैट इट्स द लॉन्गेस्ट कार इन पाकिस्तान। और बस एक ही है पूरे पाकिस्तान जी, पाकिस्तान में एक ही है GMC। उसके अलावा इसकी लेंथ जो है वो 40 फीट है इसकी लेंथ, ठीक है, जो कि सबसे लंबी है बाकी इससे कम में। जो क्लाइंट आपके पास आते हैं मतलब रेंट के लिए लेने आते होंगे, बाय वाला तो ज़रा सीन नहीं है, उनकी क्या मतलब मकसद क्या होता है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जिनके लिए वो लेने आते हैं? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बुक होती है जाती है वेडिंग सेरेमनीज के लिए। सही, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा कल्चर जो है वो शादियों का ऐसा है कि उसको थोड़ा सा धूमधाम से करना भी वही करना होता है, ठीक है, उसमें जो है ना ये गाड़ियाँ जो है वो स्पेशली वेडिंग्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। आफ्टर दैट बर्थडे पार्टीज़ हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, उसके अलावा एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप्स हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए भी यूज़ होती हैं। सही, इस तरह से डिफरेंट इसके जो है वो यूजेज है। नहीं फॉर एग्जांपल चलें बारात तक की तो समझ आती है, हम बारात लेके जा रहे हैं, जो बर्थडे पार्टी है वो पार्टी इसके अंदर हो रही है और गाड़ी चल रही है, वो क्या सीन होता है उसमें? ये है कि गेट टुगेदर होता है कार के अंदर भी, दे एंजॉय इन कार एज वेल, और चलती किस रोड्स पे है? जी बिल्कुल जनरली रोड्स पे चलती है, कोई स्पेसिफिक रोड्स होते हैं? जनरली रोड्स जो मेन रोड्स होते हैं जिस तरह लाहौर के कुछ मेन रोड्स हैं, फिर रिंग रोड भी अभी लाहौर में मौजूद है। हाँ रिंग रोड इज द बेस्ट ऑप्शन। एक्चुअली हर कार का एक खास प्रोटोकॉल होता है और ये तो बहुत लाडली सी कार, इसका तो कोई खास प्रोटोकॉल होगा, तो पाकिस्तानी सड़कों पे वो इसको हैंडल कर जाती है वो चीज़? जी बिल्कुल कर जाती है, उसमें ऐसा इशू नहीं होता मतलब इसे, ये टफ कार है या मतलब थोड़ी नाजुक है? नहीं ये टफ कार है, बेसिकली अमेरिकन ब्रांड है GMC, तो इसको बेसिकली वहाँ पे एज ए ट्रक यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट हैज़ लाइक अ वेरी ह्यूज इंजन, द कैपेसिटी ऑफ 6.2 लीटर इंजन। सही, ठीक है, तो उसकी वजह से इसको और ये इसकी प्रोफाइल थोड़ा अप होती है जिसकी वजह से इसको खड्डों में या जंप्स पे कोई इशू नहीं होता। ये सब एक और बात जहन में आती है कि अगर ये वहाँ एज ए ट्रक यूज़ होती है तो वहाँ भी एज ए लग्जरी इंटीरियर के साथ यूज़ हो रही है या वहाँ उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव? बेसिकली GMC वैसे तो एक नॉर्मली एक जो है वो व्हीकल होती है जिसको बाद में जो है वो लिमोजिन में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, ठीक है, इसको इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, और ये स्पेशली हमने इसको अमेरिका से जो है वो बनवाया। तो जो GMC ऐसे एक नॉर्मल कार होती है उनका भी साइज लंबा ही होता है या वो आपने खुद करवाया होता है? नहीं उनका साइज जो है वो लिमिटेड होता है, लाइक इसका फ्रंट और जो इसमें बैक आ रही है सिर्फ अच्छा, इतना साइज अच्छा, होता अच्छा, है। ठीक ओके, है, इसको, तो ये सारा खुद ऐड किया, ये सारा बीच में जो बैक पोर्शन जिसमें इस वक्त हम बैठे हुए हैं ये सारा बाद में। तो जो इंजीनियरिंग है इसकी वो मॉडिफिकेशन पाकिस्तान में होती है या बाहर से आते हैं इंजीनियर, वो क्या सीन होता है? ये बेसिकली सारी हमारे पास जो लिमोज मौजूद हैं ये अमेरिका में इसको इंजीनियर किया जाता है, ठीक है, वहाँ से ये रेडी हो के पाकिस्तान में जो है कंटेनर्स कंटेनर्स में। अच्छा सही, वेरी नाइस। इसमें आपकी जो मेंटेनेंस है गाड़ियों की मसलन इंजन वाइज मेंटेनेंस और दूसरी भी आपकी बॉडी मेंटेनेंस, तो ये पाकिस्तान में हो रही है या इसके लिए भी आपको अमेरिका ही भेजनी पड़ती है? नहीं इसमें जो मेंटेनेंस है ये हमारी इन हाउस मेंटेनेंस है, वी हैव मैकेनिक्स ओवर एयर एंड टेक्नीशियंस जो कि इसकी मेंटेनेंस करते हैं,
पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अमेरिका या दुबई से इंपोर्ट करवाना पड़ते हैं। और मैकेनिक्स इसके स्पेशल होते हैं या जनरली भी चल जाते हैं जो हमारी दूसरी कार के लिए? जी, इसमें आप देखें कि पाकिस्तान में जर्मन कार्स जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस थी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेल नोन मैकेनिक्स एंड टेक्नीशियंस मौजूद हैं जो कि इन गाड़ियों को समझते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने अपना जो है वो इन हाउस मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट जो है वो बनाया, ठीक है, और जो कि यहीं पे इनको किया जाता है मेंटेन, और जो पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको इंपोर्ट करवाते हैं। सही, तो ये क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड तो हम उसको कट कर देंगे, मतलब आप लोगों का रेंट कितना है? रेंट जो ये क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है। जी जी, रेंट का जो ब्रैकेट है वो स्टार्ट होता है 70,000 से लेके 175,000। और इसमें टाइमिंग्स क्या होते हैं? इसमें बेसिकली इवेंट का कंप्लीट टाइम होता है उसमें, मतलब आवर्स के लिहाज से नहीं होता कि इतने घंटों के लिए हम दे रहे हैं या वो क्या उसमें नहीं, उसमें घंटे डिसाइडेड नहीं होते, ठीक है। अच्छा। उसमें इवेंट जो है ना वो मतलब शामिल होता है, इवेंट के लिए हम गाड़ी देते हैं। अब उसमें लेट्स सपोज दैट कि अगर लाहौर में इवेंट है तो उसमें 4-5 घंटे लग गए हैं। नहीं, उसमें आप लोगों का फ्यूल, ये फ्यूल के अलावा आपने बताया? नहीं, ये इसमें सब कुछ शामिल होता है। ये जो हमारे लिमोज की प्राइजेज हैं इनमें फ्यूल, गाड़ी की डिकोर, ठीक है, रेड कार्पेट एंट्रेस, गाड़ी के अंदर जो है वो रिफ्रेशमेंट, जूसेस, ड्रिंक्स वगैरह, ये सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज होता है जो हम लिमोस में कस्टमर को देते हैं। यानी कि एक पूरे दिन के लिए भी वो इसी फिगर में गाड़ी आपसे बुक करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर विद इन लाहौर है 200-300 किलोमीटर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो इसी प्राइस में जो है वो हो जाता है। जनरली ऐसा तो नहीं होता कि किसी ने आपसे गाड़ी ली और जब आपको वो वापस मिली तो यू आर जस्ट डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने गंद वगैरह मचा दिया या कोई डिजास्टर कर दिया अंदर, ऐसा कभी हुआ? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभार हो भी जाता, थोड़ा हो जाता है क्योंकि शादी के इवेंट्स होते हैं, बच्चे भी साथ होते हैं, बैठते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह की चीजें। एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है, एक गाड़ी में कितने लोग घुस सकते हैं? इसमें जो है वो मैक्सिमम 10-12% सिटिंग कैपेसिटी है। और वैसे घुसते ही कितने हैं? असली बात है कि आपने अंदर पाकिस्तानियों ने कितने घुसाए हुए हैं? ऑलमोस्ट इतने ही हम बिठाते हैं, ज्यादा। यानी कि अगर वो ओवरलोड करना चाह रहे हैं तो आपने कोई लिमिटेशन रखी हुई है? बिल्कुल। अच्छा, एक और पॉइंट, गाड़ी लंबी है क्योंकि गाड़ी छोटी नहीं है, आम गाड़ी नहीं है, तो इसके लिए ड्राइवर्स आप कहाँ से ट्रेन करते हैं, खुद या कहीं से? जी, इसमें जो है वो स्पेशलाइज्ड ड्राइवर्स होते हैं, लाइक एक्सपीरियंस्ड, यू कैन से कि एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स होते हैं। और एक गाड़ी पे दो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, एक सीनियर होता है, उसके साथ जूनियर ड्राइवर होता है, मीन वाइल वो साथ में लर्निंग प्रोसेस में भी होता है, ठीक है, तो वो इस तरह से मैनेज हो जाता है क्योंकि ये टर्न्स के लिए गाड़ी, आम टर्न्स के लिए काफ़ी मुश्किल है, बिल्कुल ऐसी है, इसीलिए दो ड्राइवर्स जो है वो एक कार पे होते हैं ताकि उसको असिस्ट कर सकें, कुछ शॉर्ट कट्स हैं तो उनको बता सकें ताकि किसी किस्म का कोई डैमेज ना हो। किसी का बहुत दिल कर रहा है, जैसे अगर मेरा बहुत दिल कर रहा है अपने किसी क्लब की पार्टी के लिए, तो मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती उसमें जैसे 20, लाइक फॉर एग्जांपल 20% इस गाड़ी में अकोमोडेट हो सकते हैं। अब मैं सबसे अगर 2,000 भी लूँ तो वो 40,000 बनेगा मेरे। तो आप मेरे से 2 घंटे के लिए लेंगे? रियली, क्योंकि मैं अपने क्लब, मेरी स्टूडेंट्स वुड लव टू हैव कंपनी विद मी इन दिस कार। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हम पाकिस्तानियों से यही है कि पाकिस्तान में लिमोजिन सर्विस मौजूद है, रॉयल लिमो सर्विस की तरफ से, और सबसे यही गुजारिश है कि अपने इवेंट्स को मेमोरेबल बनाने के लिए हमसे गाड़ी पे जरूर हाई करते हैं। सो नाइस ऑफ यू फॉर योर टाइम। फिर वहाँ से हुए थे लेकिन अब हम बाहर यहाँ से निकल रहे हैं और लकीली इस लिमोजिन में मैं खड़ी भी हो सकती हूँ, तो इसलिए मैं खड़ी होकर उतरूंगी।